अपना ख्याल रखना, तो इंशाल्लाह हमारे लिए भी आप दुआ करना, हाँ सबके लिए, कश्मीर के लिए दुआ करना, हाँ इंशाल्लाह। बच्चा मेरे पास है, आ जा बच्चा। तो ये है बच्चा जिसने, 8 साल का बच्चा जिसने कुरान हफिज़ किया है, इससे बात करेंगे। और इसका जो उस्ताद है वो भी हमारे पास यहाँ पे अभी मौजूद है, आप देखिए उस्ताद साहब भी हमारे पास मौजूद है और इसके वालिद साहब भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم। देखा कि 8 साल का बच्चा जिसने कुरान हफिज़ किया, इससे थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बच्चा पहले तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत जी शुक्रिया, शुक्रिया। तो बच्चा कितनी खुशी हो रही है आपको कि कुरान हफिज़ आपने 8 साल में किया, जो कि हर इंसान के लिए मतलब मुमकिन नहीं होता कि 8 साल में इतनी छोटी एज में कुरान हफिज़ किया, कितनी खुशी हो रही है? और हमारी कश्मीरी आवाम के लिए आप क्या कहना चाहते हो? जी मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं कश्मीर को कहने जाता हूँ, ये मैसेज है मेरी कि खुशहाली आ जाए, अमन आ जाए, और दुआ कीजिए। और ये हमारी तरफ से भी, हम अभी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तमाम कश्मीर के लिए दुआ कीजिए कि यहाँ पे अमन आ जाए, खुशहाली आ जाए। हमारे साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हम आप तक आए हमारी ये बहुत अच्छी मोमेंट है, हमारी चैनल के लिए बहुत अच्छा वीडियो है जो आपसे मिले, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। तो ये था वो बच्चा जिसने 8 साल की एज में कुरान हफिज़ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस बच्चे को आप अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं यानी बशारत मज़ारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका फूफा हूँ, यानी जैसे बच्चे खाला के पास, मासी के पास, मासू के पास होते हैं, उन बच्चों में से एक बच्चा ये भी था जो कि हमारे पास था, मैं इसका फूफा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक छोटी सी मस्जिद का इमाम हूँ यानी बिजबराड़ा के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा मेरे पास था जो तीसरी जमात के अंदर पढ़ता है, जिसकी उम्र खालिस 8 साल है, और जिसने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कलील वक़्त के अंदर यानी 7 माह के अंदर पूरे कुरान पाक को अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ किया। ऐसे बहुत सारे, देखिए हमारे समाज में बहुत तरीके के लोग होते हैं, बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 8 साल की एज में सिगरेट पीते हैं या फिर ऐसी ड्रग्स करते हैं जो शायद आम लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो कुरान के लिए अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। महज 8 साल में कुरान हफिज़ करना एक बहुत बड़ा काम होता है, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती है। बने रहिए वॉइस ऑफ पीपल के साथ, सपोर्ट कीजिए हमें, सब्सक्राइब कीजिए हमें, और हमारी वेबसाइट भी लॉग इन कीजिए, voiceofpeoplejk.com। मैं तौसीफ़ खान, कुलर टीम वॉइस ऑफ पीपल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।